प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत में, बल्कि भारत में रह रहे कुछ मजहब के ठेकेदार हैं उनको भी उधेड़ के रख देंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मुसलमानों ने खुद बताया है कि वो जिहादी है, ये कोई और नहीं बताया है, ये मुसलमानों ने खुद बताया है कि वो जिहादी है। बुरहान, क्या भारत भूल सकता है बुरहान को? कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने बुरहान ने जो कश्मीर में चिंगारी लगाई थी, वो तो उस ऑफिसर को सल्यूट है जिसने उसको मार गिराया था। उस ऑफिसर का चरण धो करके हमें पीना चाहिए जो उसकी एक गोली उसके सीने में जाकर के लगी। अच्छा, इसी बुरहान को हमारे भारत के मुसलमान ने शहीद घोषित किया और शहादत दे डाली, जिसने तकरीबन कश्मीरी हिंदू पंडित की हजारों बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाया और उससे और उसके द्वारा कश्मीर पंडितों का नरसंहार किया। उसके बाद अफजल गुरु हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करता है, उसके बाद फिर कमलेश तिवारी की हत्या करने वाला मुसलमान, पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला मुसलमान, बदायूं के दो मासूम बच्चों का गला रेतने वाला मुसलमान, लव जिहाद के द्वारा सनातन धर्म को आघात और सनातन धर्म को के आंखों में आंसू देने वाला मुसलमान, तो अब याकूब मेमन के जनाजे में जाकर के नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, उसामा बिन लादेन का जनाजा, जनाजे की नमाज का आयोजन करने वाला मुसलमान, 1665 से लेकर के 2024 तक होली दिवाली के वक्त में कौन कौन मतलब एक जिहादी एक्टिविटी कौन करता है? मुसलमान करता है। अभी देखिए होली वाले दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो छात्र है वो होली मना रहे थे, हालांकि 11 दिनों से वहां पर अफ्तार पार्टियां चल रही थी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सनातनियों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दिन होली मनाया मॉडर्न जजिया मांगने के लिए खड़े हो गए। अब वो कहें कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी में आपको मॉडर्न जजिया क्यों देंगे, तो मॉब लिंचिंग के लिए खड़े हो गए। तो इन शॉर्ट में मुजफ्फर भाई इतना कह सकती हूँ कि मुसलमानों के पास हर वक्त तीन औजार तो होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये तीन औजार क्या होता है। एक औजार होता है जो पैंट की जिप के अंदर होता है, जिससे वो बलात्कार करते हैं। दूसरा औजार होता है मुसलमान लौंडों के पास, जुबान, जो वो औरतों को गाली देते हुए सुबह उठते हैं और औरतों को गालियां देते हुए ही वो सोते हैं। और तीसरा औजार होता है जो बम गोली बारूद जो होता है। तो मुसलमानों को ये तीन औजार कैरी करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है तीन औजार कैरी करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जब तक ये मदरसों की पढ़ाई को छोड़ करके अकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ और नहीं रागिब होंगे, तब तक मौलवी मुल्ला इनको नचाते रहेंगे, इनको परेशान करते रहेंगे, इनके दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज और फितूर भरते रहेंगे, तो ये 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 होता रहेगा। बिल्कुल, आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान इंडिया ये वाला खिता है, ये ज्यादा यहाँ का रेडिकल माइंडसेट क्यों है, इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है, मदरसों का ज्यादा होना है, या फिर जो हमारे उलमा कराम है वो भी यही चाहते हैं कि ये आपस में ये सारा कुछ इनको इसी काम के पीछे लगाए रखें, ये तालीम से दूर रहें, क्या वजह क्या है? या जो हमारी खास तौर पर एक क्लास ऐसी है कि जो बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग देती है कि नहीं नहीं ये ऐसे करना, आपने वैसे करना, और उनका दिमाग जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो इसी काम की तरफ चल जाता है कि वो हिंदू से भी नफरत करते हैं और इस तरह का दूसरे जो सारे काम है उनको, उनसे वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। एक इंसानियत, एक जो भाईचारा है, एक इस तरह की सारी चीजों से एक आम जो पाकिस्तान इंडिया का मुसलमान है वो ज्यादा दूर क्यों है? अभी देखिए, एक लड़का है, मैं आपको बताती हूँ, तौसीफ अली आईआईटी का स्टूडेंट है, आईआईटी का तौसीफ अली, इसने क्या बोला है, आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट ज्वाइन आईएसआईएस कॉल इंडिया लैंड ऑफ काफिर।
वीडियो चल नहीं रही है भाई। ये वीडियो नहीं है, मैं आपको न्यूज़ दिखा रही अच्छा अच्छा ठीक है, ये इंडियन है। ये आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट है और इसने सबके सामने खड़े होकर कहा है कि ये भारत में जितने लोग हैं वो काफिर रहते हैं, 82.7% अच्छा ये तो हम ये कहते हैं कि मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो रेडिकल हैं, वो उनका माइंडसेट ऐसा है। ये तो एक आम स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है, ये तो ये फिर क्यों ऐसे क्यों है, इसका तो फिर तालीम से तलब तो ना हुआ। क्योंकि हमारे घर में बचपन से बताया जाता है ना कि अगर कोई हिंदू प्रोफेसर का डेड बॉडी जा रहा है तो फिर नारे जहन्नम पढ़ो, और अगर कोई नासिरवान जैसा बलात्कारी है और अगर वो मर गया है और उसका जनाजा जा रहा है तो इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अभी तो ट्विटर पर एक बंदा है जुबैर, वो अपना अपना आईडी बनाया है जू बैर, मतलब चिड़िया खाना में भालू, जू बैर चिड़िया खाना में भालू। तो ये बड़ा ट्रेंड करता है। इसका काम क्या है जुबैर का? इसका काम है भारत की हर एक वोकल औरतों को, हर एक एडुकेटेड औरतों को, हर एक क्रिएटिव औरतों को, हर एक शिक्षित औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, बेइज्जत करना। जुबैर यही काम करता है और इसी से उसकी पब्लिसिटी है। वो अगर औरतों को टारगेट ना करे तो उसकी पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी। एक चवन्नी बराबर वो अपने आप में अस्तित्व में वो कुछ भी नहीं है। उसने कभी किसी गरीब के लिए कुछ किया होगा जुबैर ने? उसने कभी कभी मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के लिए कुछ बोला होगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने अगर शिक्षा के लिए बोल दिया तो वो मुझे ट्रोल करेगा। अगर मैंने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ ली तो तब तो वो पाई मेरे पूरे कपड़े उतार देगा, ट्विटर एक्स पर पूरे कपड़े मेरे उतारेगा। तो मुसलमान मर्दों को शुरू से बताया जाता है कि औरत जो है वो तुम्हारी मजेदारी का सामान है, औरत जो है वो तुम्हारे पैर की जुत्ती है, औरत जो है वो जलील करने के लिए ही पैदा होती है, औरत जो है वो अपना सलवार खोलने के लिए ही पैदा होती है। अब वो क्या करता है कि भाई हम जिहाद के नाम पर हम अगर सनातनी औरतों को या क्रिश्चियन औरतों को या यहूदी औरतों को अगर हम नंगा करते हैं तो हमको तो 72 वर्जिन हूर भी मिलती है, जन्नत भी मिलता है, अल्लाह तबारक ताला भी खुश हो जाते हैं। और जो मुसलमान शिक्षित लड़कियां सामने आती हैं तो इनका जुबान बंद कराने के लिए और इनको मतलब घर के अंदर बंद कराने के लिए जुबैर जैसे लोग हम जैसी मुसलमान लड़कियों को भी ट्रोल करते हैं, हम जैसी मुसलमान लड़कियों को भी बेइज्जत करता है ताकि हम डर करके घर के अंदर बैठ जाए। पर मैं तो ऐसी हूं नहीं, जुबैर गलत जा रहा है, मैं जुबैर की फ्रेंड खोल दूं। जुबैर को बताना पड़ेगा कि तूने क्या किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तूने कितने मोटिवेशनल स्पीकर दिए कि बच्चों तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम जज बनो, ये तो तुम ये करो ना। देखिए औरतों को मलाइन करके, औरतों को मतलब बेइज्जत करके, ये बहुत पुराना सिस्टम इस्लाम में चला आ रहा है, बहुत पुराना सिस्टम। जो इस्लाम के मानने वाले हमारे बीबी मरियम अलैहि सलाम को मलाइन कर चुके हैं, सूरह मरियम आप पढ़िए, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे जब वो बिना काबिन के प्रेग्नेंट हुई तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। यहाँ तक के बीबी मरियम को अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे गांव में छुप करके रहना पड़ा था और तब उन्होंने बच्चा बच्चा पैदा किया था, और जब बच्चा ले करके वो आई थी तब भी उनको बेइज्जत किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है या खुद तुम इन बच्चे से ही पूछ लो। और तब जाकर के लोगों ने समझा कि भाई ये खुदा का भेजा हुआ एक तोहफा है, ये खुदा का करिश्मा है कि उनको बिना काविन के बच्चा हुआ है। तो जो मुसलमान जो इस्लाम के मानने वाले बीबी मरियम को मलाइन कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, तो मैं किस गली में हूँ, मैं किस गली में हूँ। तो जुबैर जैसे लोग हमेशा इस धरती पर रहेंगे और अब जा करके भारत में हम जैसे लोग अब वोकल हुए हैं जो जुबैर का चीरहरण कर सकते हैं, जो जुबैर को का कॉलर पकड़ करके घसीट करके सर्वोच्च न्यायपालिका में लेकर जा सकते हैं कि अब संविधान को इसको भी सजा देनी पड़ेगी, ये इस तरह से औरतों को मलाइन नहीं कर सकता है। तो मसला ये नहीं है कि क्या हमें सिर्फ मदरसे में पढ़ने से ही हम मुसलमान कम्युनिटी के युवा और बच्चों के दिमाग में जिहाद आ रहा है, नहीं, मसला घर भी है, मसला हमारी बूढ़ी नानी दादी भी है जो घर में जब बेटा पैदा होता है और अगर वो रात में 2 बजे भी घर में एंटर करता है तो ये कहा जाता है क्या है, वो तो बेटा है। और बेटी जब पैदा होती है तो वो जीन्स भी नहीं पहन सकती है, वो अपनी बातों को रख भी नहीं सकती है क्योंकि वो बेटी है। आज बेटी काम करती है तो घर आने के बाद उसको 4 पराठा और 1 कप चाय का तुरंत ऑर्डर मिल जाता है,
लेकिन बेटा जब काम करके आता है, अरे अरे वो तो काम करके आया है ना, तो ये जो पार्शियलिटी मुस्लिम कम्युनिटी में चली आ रही है, ये भी दिमाग खराब करने का मुसलमान मर्दों का बहुत बड़ा बास है, बहुत बड़ा रीजन है ये। आज देखिए कोई भी घराना, मुसलमान खानदान का कोई भी घराना, ये नहीं बात करना, मैं उंगलियों पे गिन लूंगी, 10-12 ऐसे घर होंगे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, वो भी भारत में मिलेंगे, लेकिन आपके पाकिस्तान में वो 10-12 घर भी नहीं होंगे कि अगर कोई ये पूछ घर का बड़ा कि तुमने बाहर में लड़की को क्यों छेड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम बाहर में ये करके क्यों आए, क्या नासिर खान ने जब बलात्कार किया तो क्या उसके घर वाले ने उसको बॉयकॉट किया, क्या समाज ने उसको बॉयकॉट किया, क्या मुसलमान कम्युनिटी ने उसको बॉयकॉट किया, नहीं नहीं किया, तो इसका क्या हुआ, इसका मन बढ़ा ना, क्या हम कर सकते हैं, ये बहुत बहुत इजी टास्क है। अब तो जन्नत में 72 वर्जिन हूर भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगा और मुसलमान भी खुश हो गया कि अरे मैंने बलात्कार किया है, क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुसलमान बेटों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा बास है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। आज आज अगर इस्लामिक तरीके से इनको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया जाए, आप देखिए एक भी लश्करे तैयबा नहीं बचेगा, एक भी अलजिहाद नहीं बचेगा, एक भी अजमुल मुजाहिदीन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्योंकि हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अगर किसी मासूम की आप हत्या कर रहे हो तो आपका भी बदले में सरतन से जुदाई होगा। अरब में वही होता है, अरब कट्टर मुसलमान है, सुन्नत रसूल पर चलने वाला मुसलमान है, अरब अल कुरान को ही फॉलो करता आया है और करता रहेगा। इसीलिए अरब देखिए बहुत सुख शांति से है, बहुत रिफॉर्म कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। और देखिए इस्लामिक देश पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर ही बना, आज वो कब्रिस्तान बनकर खड़ा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक ये लोग इस्लाम को घर के अंदर और बाहर अपने अस्तित्व के लिए मेहनत ना करेंगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत में रह रहे मोहम्मद जुबैर जैसे मजहब के ठेकेदारों को भी उधेड़ के रख दिया। मोहम्मद जुबैर वही है जो अपने आपको बहुत बड़ा फैक्ट चेकर बताता है और हमेशा ही हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट करता रहता है, और पिछले साल वो जेल भी गया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।